हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किचन मेलोडी विद संजू पे। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। हमने 500 ग्राम कटहल लिया है, उसे अच्छे से काट के छील लेंगे और उसे बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट लेंगे। उसे धो के एक कुकर में बॉयल होने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। और उसका ढक्कन लगा देंगे, 2 सीटी लगने देंगे उसे। अब आप देख सकते हैं, मैंने 4 से 5 प्याज लिया है, उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और उसे चॉप कर लिया है। इससे चॉप करने में आसानी होती है और जल्दी से हमारा इंग्रेडिएंट्स तैयार हो जाता है। देख सकते हैं प्याज कितनी फाइन चॉपिंग हुई है। अब हम लेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, उसे भी चॉप कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा सीटी भी लग चुका है। अब लेंगे 4 से 5 ग्रीन चिली और उसे भी काट लेंगे बारीक बारीक। देख सकते हैं कि कटहल हो चुका है। अब उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सारे कटहल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रख के उसमें तेल डाल के उसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये भी भून चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में तड़का लगाएंगे। 1 पिंच हींग डाला है मैंने, खड़े मसाले, तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, लौंग, 1 चम्मच जीरा, और हम चॉप किए हुए लहसुन और अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब हम डालेंगे प्याज, उसे भी 2-3 मिनट तक भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। अब इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, फिर उसे चला के ढक देंगे। अभी प्याज अच्छे से गल जाए। अब हम फिर से उसका ढक्कन हटा के इसमें सारे मसाले डालेंगे। किचन किंग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, उसे फिर मिक्स करेंगे। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। उसमें हम डालेंगे पानी ताकि मसाले अच्छे से पक जाए और उसे फिर से चलाएंगे, फिर उसे ढक देंगे। फिर ढक्कन हटा के देख सकते हैं हमारा मसाला पक चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे गरम मसाला। आप
हाफ टी स्पून गरम मसाला डाला है मैंने, और उसे भी मिक्स करेंगे। अब हमने कटे हुए कटहल को उसमें डाल के और फिर मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे उसमें पानी। उसे 10 मिनट ग्रेवी गाढ़ा होने तक उसे ढक के पकाएंगे, बीच बीच में उसे चलाते रहेंगे। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे धनिया का पत्ता। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कटहल की सब्जी एकदम खाने के लिए रेडी हो चुकी है।